हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं हूँ मोनिका। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना और मुझे फॉलो कर लेना इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे। मेरा नाम है मोनिका एंड मैं वीडियोज़ बनाती हूँ मेकअप मेक ओवर्स, स्किन केयर प्रोडक्ट रिव्यूज, नेल्स, नेल एक्सटेंशन, DIY और जो भी आप मुझे रिक्वेस्ट करते हो उसके लिए। सो आज हम बात करने वाले हैं अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट के फेस पैक के बारे में। ये जो भी रेंज है ये फ्री फ्रॉम पैराबिन, सल्फेट एंड सिलिकॉन्स है एंड इसमें कोई कलर्स भी नहीं है। ये क्रुएल्टी फ्री रेंज है। आप इसके कवर पे देख सकते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं एंड पैच टेस्ट के लिए यहाँ पे लिखा गया है वार्निंग जो है। पीछे सारी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और प्राइसेस और ये सब है। सो ये वीगन प्रोडक्ट है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। दिस इज़ ब्राज़ीलियन केओलिन वाइट क्ले, इसमें बुरीथी ऑयल भी है। सो और साथ में आपको ये सिलिकॉन ब्रश मिलता है जो बहुत अमेजिंग है। इसके मैंने रिव्यूज़ भी काफ़ी सुने हैं। सो इसे अप्लाई करना बहुत ईजी हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का अंदर से दिखता है ये एंड जो इसका वाइट क्ले एंड बुरीथी ऑयल एंड वाइटमिन ई है वो हेल्प करता है आपके फेस को मॉइस्चराइज करने में, साथ के साथ उससे जो डस्ट होती है वो निकालने में। सो ऊपर ये एक सील्ड लेयर सा होता है कार्डबोर्ड का एंड इस तरीके से, उसको हटाने के बाद अंदर कुछ ऐसा लाइक क्ले टाइप सा है स्ट्रक्चर। सो ये काफ़ी सॉफ्ट टेक्सचर है, स्मेल काफ़ी अच्छा करता है, 200 ml है। सो अब मैं आपको इसको लगा के दिखा देती हूँ किस तरीके का है ये। सो काफ़ी बड़ा टब है। इस तरीके से सिलिकॉन ब्रश को यूज़ करते हुए आप इसमें से थिन लेयर लगाने के लिए थोड़ा सा ही लेंगे, ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा स्कूप निकालेंगे एंड उसको अप्लाई करेंगे तो सिलिकॉन ब्रश से काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जाती है एक पतली लेयर जो है। आप चाहें तो इसको डबल लेयर कर सकते हैं बट वो ड्राई होने में उतना ही टाइम लगेगा। सो 8 से 10 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा। आप चाहें तो 15 मिनट वेट करके इसको हटा सकते हैं, पहुँच सकते हैं। सो जैसे अब विंटर सीजन आ रहा है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेस को क्लेंस करने के लिए। एंड कभी कभार जैसे किसी मौसम में या ऑयली स्किन टाइप्स के लिए ऐसा होता है क्योंकि वो उनके लाइक ऑयल प्रोडक्शन होती रहती है ध्यान से, तो ये 20 मिनट्स तक भी ड्राई नहीं होता है। तो उस केस में आप 20 मिनट्स इसे छोड़ के और उसके बाद इसे हटा सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ये ड्राई नहीं हो रहा है उस केस में। सो इसको अच्छे से थिन लेयर अपने फेस पे, पूरे फेस पे, नोज़ पे एंड नोज़ के साइड में सारी जगह आप इसको लगा लीजिए, अप्लाई कर लीजिए। और इस ब्रश के साथ काफ़ी ईजी हो जाता है इसको लगाना, ट्रांसफ़र हो जाता है बहुत ईजीली ब्रश से जहाँ भी आप लगाना चाह रहे हैं ये मास्क वहाँ पर। पंद्रह से 20 मिनट बाद आप चेक कर लीजिए ड्राई हो गया है कि नहीं एंड उसके बाद आप इसे किसी टावल, गीले टावल और हो सके तो हॉट वाटर में डिप करके उस गीले टावल से रब, मतलब बहुत फोर्सफुली रब ना करें, थोड़ा धीरे धीरे हटाएं, या अदरवाइज आप जो वेट टिश्यूज़ होते हैं या अगर आपके पास फेस टिश्यूज़ हैं उनको वेट करके उससे भी पहुँच सकते हैं। एंड डाउनवर्ड मोशन में नहीं करना है आपको ये, क्योंकि उससे जो है फेस में रिंकल्स और रिंकल्स आ जाते हैं। आपको अपवर्ड मोशन में करना है, अदरवाइज आप वेट वाइप्स या नॉर्मल फेस वाइप्स को वेट करके यूज़ कर सकते हो। सो इस तरीके से आप उसे फेस मास्क जो है इसे वॉश देंगे, पूरा फेस क्लीन कर लीजिए इस तरीके से। सो फेस सुपर क्लीन लग रहा है ये हटाने के बाद, मास्क हटाने के बाद अच्छे से आप इसे वाइप कर दीजिए या मुंह भी धो के आप इसे हटा सकते हैं अपने फेस से। बहुत क्लीन लग रहा है, जो वाइट क्ले है उसने जो सारा डस्ट है और सीबम है वो सब निकाल दिया है पोर्स से एंड बहुत बहुत फ्रेश फील हो रहा था और कुछ देर तक इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी आपको आती रहती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाद में आप कोई भी इसमें मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं या सीरम, फेस सीरम लगा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे प्लम का ये मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, लिक्विडी कंसिस्टेंसी है इसकी। अगर आप चाहते हो मैं इसका भी रिव्यू आपको दूँ तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है तो इसके ऊपर मैं ये लगा रही हूँ ताकि अच्छे से मेरे पोर्स में अब्सॉर्ब हो जाए ये जो मॉइस्चराइज़र है। सो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।